नमस्कार, मैं सिद्धार्थ और आपका दिन सत्य में तहे दिल से स्वागत है। यूं तो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की चर्चा पूरी दुनिया में, दोनों साथ तो इस तरह चलते हैं कि मानो एक प्यासा और दूसरा पानी हो। लेकिन पाकिस्तान को एक बात समझ नहीं आ रही कि जिसे वो पानी पीने का समझ रहा है वो दरअसल में जहर है। जहाँ एक और पाकिस्तान मुसलमानों को मसीहा बना फिरता है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का मित्र देश चीन रोज एक मस्जिद तोड़े जा रहा है। जैसे जैसे जिनपिंग की नज़र कोई मस्जिद पर जाती है, या तो उसे तोड़ देता है या फिर उस जगह टॉयलेट बना देता है। चाइना में तो जिनपिंग ने कटी मूछ और लंबी दाढ़ी वालों को तक बैन कर दिया है, और जनसंख्या को रोकने का तो उसने अनोखा ही तरीका निकाला। जब कोई उइगर मुस्लिम महिला गर्भवती दिखती है तो उसके पेट पर लाठी मारकर माँ और बच्चे दोनों को मार देते हैं। इतना सब होने के बाद मुसलमानों को उनका मसीहा बताने वाले देश तुर्की और पाकिस्तान चुप हैं। और वहीं दूसरी ओर भारत में अगर कोई गैर कानूनी तौर पर बनाए गई मस्जिद को तोड़ दी जाती है तो पाकिस्तान सारी दुनिया में रोना लग जाता है कि भारत मुसलमानों पर अत्याचार करता है। अगर आंकड़ों की माने तो ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था, ऑस्ट्रेलियाई रणनीति संस्था ने बड़ा खुलासा किया है। इसमें उसने बताया है कि 65% मस्जिदों और 58% अन्य महत्वपूर्ण इस्लामिक धर्म स्थलों को पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया गया है। और साथ ही इस विश्लेषण के साथ बताया गया है कि आने वाले समय में चाइना इस्लाम का नामो निशान तक मिटा देगा। उइगर मुसलमानों के एक्सपर्ट रेचल हेसिस जोकी ने कहा है कि चीन उइगर मुसलमानों को विस्थापित किया है, 80% मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया है और वहां पर रहने वाले सभी मुसलमानों को या तो किडनैप कर लिया गया या फिर उन्हें मार दिया गया है। तो ये बात तो तय है कि जिनपिंग धीरे धीरे मुसलमानों का सर्वनाश कर रहा है। गौरतलब है कि मुसलमानों के प्रति चाइना की खुन्नस तो इस कदर तक बढ़ गई है कि उइगर मुसलमानों के स्कॉलर्स को अगवा कर और उन्हें मरवा तक दिया गया है। वहीं दूसरी ओर चाइना की एक यूनिवर्सिटी सिचुआन यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें बताया गया है कि गासू निस चियाई सिंगाई तिब्बत इन गुअर मंगोल हेबई और सिचुआर में लगभग 10,000 से भी अधिक मजारों व गुम्बदों को, जो कि इस्लामिक आकृतियां हैं, इस्लामिक इमारतें, उनको तबाह कर दिया, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर मारे गए तथा अगवा किए गए लोगों को अब तक पता तक नहीं चला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मैं तो कभी डरा नहीं बीच से, कभी भागा नहीं, कभी हटा नहीं पीछे। ये बोले ये लाएंगे गैंग, मैं बोलूं भाई लान दो जैसे एनरीके। सुनी मैंने भी लोगों की बकवास, वो जो करे 10 बात पर कभी ना सच बात। जाता था मैं स्कूल हाल लेके बस पास, अब जात में भी बैठू कभी कभी फर्स्ट क्लास।